सबसे पहले तो सर मैं अपने दुख का इजहार करना चाहूँगा कि सर आप एक यूनिवर्सिटी आए, तुलबा अपना टाइम निकाल के आए, इसातिज़ा इंतज़ार कर रहे हैं और आप फिर भी सर 50 मिनट लेट आए। बच्चे अपनी क्लास एक दूसरे छोड़ के सर इधर आपका इंतज़ार कर रहे थे। और सर मैं इस बात पर शर्मिंदा हूँ कि मेरे प्राइम मिनिस्टर, बेशक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, उसे इल्म की इज्जत नहीं, या फिर मुझे लगा कि शायद इल्म की इज्जत नहीं। मगर सर मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल तो ये है कि सर मेरा सवाल जर्न वाला के ऊपर है। सर पूरे शहर के चर्च के ऊपर आग लगा दी गई और हमारी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। आप सर ऑफिस में ही थे, अगर मेरी इल्म में कमी हो तो सर प्लीज़ इजाफा करें, मगर जितना मुझे इल्म है आप सर ऑफिस में थे और आपके होते ही ये हुआ, मगर क्या हुकूमत ने सर उसके ऊपर एक्शन लिया है? जी सर आप गए, आपने सर प्रॉब्ली उनके चर्चेज और के लिए आपने उनको पैसे दे दिए होंगे, मगर क्या ये सलूशन है सर? क्या ये एक लॉन्ग टर्म सलूशन है? कितने सर और मंदिर जलेंगे पाकिस्तान में? कितने सर और ईसाइयों चर्च को आपसे जलाएंगे तो हुकूमत को एक्चुअल सॉल्यूशन की तरफ आएगी? शुक्रिया। मुझे खुशी ये हो रही है कि तुम अपनी माइनॉरिटीज के लिए इतना स्ट्रांगली फील करते हो, ये एक खुशी की बात है। हालांकि तुम तो बहुत मायूस मुझे लग रहे हो हुकूमत के हवाले से, हम मायूस नहीं है आपके हवाले से।